शाओगांग, इस कंपटीशन की जीत के लिए तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना होगा। यस यस, मैं करूंगा। आई एम श्योर आप सब जानते हैं कि आज हमारी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है। ऑल द बेस्ट, लेट्स गो। पूरा दिन फोन पर रहने के अलावा तुम्हें और कोई काम नहीं है। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना नहीं चाहोगे? लोगों की गलतफहमी को दूर नहीं करना चाहोगे? कब तक इन तीनों को चुपचाप सुनते रहोगे? नहीं, मैं बदलना चाहता हूं। आर्ग्यू करो, रिफ्यूट करो, डिनाय भी करो। डोंकाई डिबेट टीम स्वागत करता है आपकी तेज जुबान को। मैं हूं नानबी और मैं हूं डोंकाई यूनिवर्सिटी के डिबेट क्लब में। कैसा लगा? तुमने एक हफ्ता छुट्टी लेकर ये सब किया? सबको पसंद आया, तालियां भी बजाई। ये लोग बस एक्टिंग कर रहे हैं। फिल्मिंग टीम भी यहाँ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक फिल्म की सक्सेस उस पर काम करने वाले क्रू के मेहनत पर ही निर्भर करती है। डायरेक्टर होने के नाते मैं हमारे सक्सेस पर दो शब्द बोलना चाहूंगा। जो डिबेट क्लब का हिस्सा नहीं है वो यहाँ से चला जाए। थैंक यू। मैं शुरू करता हूँ। जिसने भी मुझे इस प्रोजेक्ट में हेल्प की है उसे बहुत बहुत थैंक यू। और मैं जाता हूं नंदे। पिछले हफ्ते हमारा कंपटीशन केमिकल यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट था।
तुम नहीं आए तो प्लेयर्स कम थे तो हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया। कुछ कहना चाहोगे? बीच पर शूट करने का इतना सुनहरा मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा और कभी कभी हार इतनी मायने नहीं रखती। तुम इसे रोल कर रही हो? मेरी शामत आने वाली है। वही रुको। नंबर टू, हटो हटो। उसने फिर से धोखा दे दिया। मारो उसे, मारो उसे। भागना चाहते हो? और भागना है? आई एम सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। पिछले सेमेस्टर में हमने 15 कंपटीशन में पार्ट लिया था, उसमें से 4 जीते थे और 11 हारे थे। मुझे एक बात का तो पूरा यकीन है, वो 4 कॉम्पिटिशन हम मेरी कमाल की स्किल की वजह से ही जीते थे। तो फिर ये बताओ कि हम 11 डिबेट्स क्यों हारे? मेरा लक खराब था और क्या। सच में लक खराब था? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? तुम्हें नहीं लगता कि जज के गंजे पन पे जोक मारने की वजह से हम हारे हैं? क्या कहा? जैसे वीक पहनना ना पहनना उनकी पर्सनल चॉइस है, सही कहा ना प्रोफेसर? जिंदगी की कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से आप सच नहीं बोल पा रहे, जैसे कि हमारे प्रोफेसर शैम्पू यूज करने के बारे में हमसे सच नहीं बोल पा रहे। अगर फिर से मैंने ऐसा किया तो तुम मुझे चूटी मार देना। पिछले हफ्ते भी तुमने यही किया था, कभी किसी की बात सुनोगे या नहीं? देखो अगर तुमने मेहनत नहीं की ना तो मैं तुम्हें टीम से निकाल दूंगी। टीम से निकाल दोगी? क्या हमारी दोस्ती यहीं तक की थी? पता है हमें किस चीज की जरूरत है? एक नए मेंबर की। रेप्यूटेशन का सवाल है। मैंने रूमर सुने हैं कि स्कूल अब अनपॉपुलर क्लब बंद कर रहे हैं। मतलब हमारा क्लब बंद होने वाला है क्या? नहीं, ये बस रूमर है। हमारे पिछले साल के स्टेट्स के मुताबिक हम डेंजर में हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस लाती कहाँ से हो? मेरी कॉन्फिडेंस की 3 रीजंस हैं। पहला, फर्स्ट ईयर से मेरा टर्टल मॉस्कॉट मेरे साथ ही है, लिटिल शाओयू। अगर वो हमारे डिबेट क्लब में साथ रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। वैसे पिछले हफ्ते मैंने उसे तुम्हारे घर छोड़ा था, वो ठीक है ना? एक बात कहूँ, मैंने लोगों को कुत्ते घुमाते देखा है, टर्टल्स को नहीं। लेकिन देखो तो ये कितनी खुश है। चलो अब गेम शुरू करते हैं। आया। ये तो अब एक 3 मंजिल के बंगले में रहता है, पूरे दिन धूप से बचने के लिए छांव में रहता है, आराम करता है। अच्छी बात है। दूसरा, ये डिबेट क्लब किसने शुरू किया? हमारे पुराने कोच ने अपना खून पसीना एक करके टीम और क्लब को बनाया है। मेरा मानना है जब तक हमारे कोच सर जिंदा है वो इस डिबेट क्लब को कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि ये क्लब उनकी जान है। नर्स कुछ करो, इन्हें सांस नहीं आ रही है। जी जी कोसर, मैं यही हूँ कोसर, मैं यही हूँ। डिबेट टीम को कुछ हुआ क्या? आओ आओ ढूंढो। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे क्लब में टावहाव है। हेलो टीचर। टावहाव, इसे जल्दी भेज दो। ओके सर। टावहाव, जरा सुनो, ये एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस को सेंड कर दो, ठीक है? यस सर। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसी हो ताओहाओ? डायरेक्टर ली, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं, ये हमारे इस सेमेस्टर के नए हायर्स हैं। ताओहाओ, तुम्हारे बिना हम इस ऑफिस में क्या कर पाते? स्टूडेंट काउंसिल ने तुम्हें चुनकर बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो बस अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। ट्रिपल प्रोटेक्शन फुल प्रूफ है।
तुम दोनों इस तरह क्लास से बाहर क्यों जा रहे हो? क्लास खत्म नहीं हुई क्या? मुझे लगा कि बेल की आवाज सुनी मैंने। अभी आधी क्लास बाकी है, चुपचाप अपनी सीट पर बैठो। सॉरी सॉरी टीचर, सॉरी सॉरी। क्लास के बाद बाहर मिलते हैं, वॉर के लिए तैयार रहना। वॉर के लिए तैयार रहना, पर कैसे वॉर? वो जो कल होने वाली है। ओ, ट्यूआन जी उस क्यूट लड़के को मिलकर कन्फेस करने वाली है ना? बताओ बताओ ये क्या है? प्रोसेस। वो मुझे सुन सकती है? तुम क्यों इतनी परेशान हो? उसे कोई पसंद है तो जाने दो। तुम्हें नहीं पता क्या पिछली बार टुआन सी को जो लड़का पसंद आया था उसके साथ क्या हुआ था? लव एट फर्स्ट साइट और अटूट प्यार। उसने तो अपने पोते पोतियों का भी नाम रख लिया था। एक हफ्ते बाद उसके कन्फेशन के बाद पूरे स्कूल में फैल गया। क्या हुआ? बस फेलियर। छोड़ो वो पुरानी बात है, अब मैं उसके साथ हूँ। उसे जो भी चाहिए मैं उसे जरूर ला कर दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। मैंने आज यहाँ तुम्हें डिबेट क्लब के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। डायरेक्टर डोंट वरी, मैंने अगली कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा प्लान बनाया है और इस बार तो जीत हमारी ही होगी। नहीं 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 नहीं, देखो ये डिबेट क्लब है, हमने यूथ लीग के साथ डिसाइड किया है कि मर्जर के बाद वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की टीम इस क्लब की मेन इंचार्ज होगी। देखो मुझे नहीं लगता तुम्हें कंपटीशन में जाना चाहिए, उसकी कोई भी जरूरत नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मेरी टीम डिसबैंड हो जाएगी? हाँ, हमारी टीम डिसबैंड हो रही है? हाँ ऐसा हो सकता है। पिछले साल के नेशनल कंपटीशन में वो रनर अप थे, सब लोग उनकी वाहवाही कर रहे हैं। अपने स्कूल की रेपुटेशन के बारे में सोचो और जाकर उन्हें समझाओ। ले लिया है। क्या तुमने बलून्स खरीदे? जरा मुझे ये तो बताना कि कौन से ग्रोसरी स्टोर में बलून्स मिलते हैं। तुम फिर गुस्सा कर रही हो? ठीक है मैं बाद में खरीद लूंगी। ओके बाय बाय। बाय बाय। तुमने उसे अभी तक बताया क्यों नहीं? मैंने तो उन्हें फेनलिंग बे होटल में एक साथ देखा था, लेकिन मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। होटल के नाम तो सुनो, ऐसे जगह पे सिर्फ दोस्त नहीं मिल सकते। और वैसे भी लड़का लड़की होटल क्यों जाएंगे, मूवी देखने? और सच में मूवी देखने गए होंगे तो? मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। मान लेते कि वो दोनों एक कपल है, लेकिन तुआन से मेरी बात मानेगी? वो तुम्हारी बातों का यकीन क्यों नहीं करेगी? अगर मैं कह दूं कि 1000 युआन का तुम्हारा शूज फेक है तो क्या मानोगे? ये तो इम्पॉसिबल, ऐसे कैसे कह सकती हूँ? देखा ना, लोग उसी पे बिलीव करते हैं जिस पे उन्हें करना होता है। ये लड़कियां बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, तुम जाकर उसे बता क्यों नहीं देती?
ट्राई करो, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं तो बस कहता तुवांजी, तुम्हें जो लड़का पसंद है वो किसी और से बात कर रहा है। किससे बात करता है? वो तो मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। इन्हें बांधना है, चिपकाना या दीवार पे टांगना है? उन्हें दीवार पर टांग दो, मुझे ग्रीन पसंद नहीं है, बस पिंक फुला। ग्रीन भी अच्छा है। सब तो यही है। अच्छा है, मुझे तुम सबको कुछ बताना है, ये कोच सर के बारे में है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। कोच सर ठीक तो है ना? ठीक हो जाएंगे, उन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है और बाद में स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी छोड़नी होगी। उन्होंने स्पेशली कहा है कि उनसे मिलने कोई नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ प्रैक्टिस करेगा। फिर तो ठीक है, मैं तो डर ही गई थी। ओ, बहुत खूब मिस्टर साहब, तो आप हमारे नए कोच हैं। एक और बात है, लेकिन वो टीम कैप्टन अनाउंस करेगी। क्या हुआ ताऊ, बता भी दो, मुझे डर लग रहा है। अगले कंपटीशन का टॉपिक आ गया है, क्या कभी कभी झूठ बोलना ठीक है? हम अगेंस्ट की तरफ से बोलेंगे, हमारे पास एडवांटेज है। इस सेमेस्टर का ये हमारा पहला कंपटीशन है, हमें जमकर मेहनत करनी है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, बेस्ट डिबेटर तो आपकी टीम में है। शासा, हमें कंपटीशन वाले दिन की डिटेल्स डिस्कस कर लेनी चाहिए। सही कहा, अभी बहुत सारा काम बाकी है, तुम लोग तैयारी शुरू करो। वैसे तुम लोग इतने सारे बलून्स के साथ क्या कर रहे थे? ये तो हमारी होने वाली जीत का खुशी का सेलिब्रेशन है। हाँ सही कहा, होने वाली जीत। तुम सबको ऑल द बेस्ट। चलो चलो जल्दी करो, कन्फेशन में मुझे देर नहीं करनी है। तुमने उन्हें कंपटीशन की तैयारी करने को कहा, उनकी जीत के लिए तुम्हारे पास कोई प्लान है? नहीं है। नहीं है? नहीं, उनकी इतनी तैयारी देखकर मेरा मन ही नहीं किया कि मैं उन्हें सच बताऊं, और मैं एक और ट्राई करना चाहती हूं। वो कभी कभी बहुत ज्यादा आलस करते हैं, लेकिन उन्हें डिबेटिंग पसंद है, इसलिए मैं कल डायरेक्टली से फिर से बात करने वाली हूँ, मेरे साथ चलोगे? हाँ बिल्कुल, भूल गई, अब से मैं तुम्हारा नया कोच हूँ, अंत तक मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। कल मैंने प्रोज और कॉन्स की लिस्ट बनाई कि हमें तुवांजी को ये बात बतानी चाहिए या नहीं। तुम्हें कैसे पता कि वो जाने वाली है या नहीं? तुम अपने आप को उसकी जगह पे रखकर सोचो। मान लो तुम्हें एक रेस्टोरेंट में जाना है और मैं तुम्हें कहती कि वो जगह बहुत ही गंदी है, तुम्हें कैसे लगता? बहुत बुरा लगता, लेकिन खुशी होती कि तुम मुझे सच बता रही हो, छुपाने से कुछ हासिल नहीं होता। अब फिर तुम ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, ना ही मैं उस लड़के को कुछ बोल सकती हूँ और ना ही मैं कुछ और कर सकती हूँ। ठीक है ठीक है, आपका ऑर्डर। मुझे 3 मीट डंपलिंग्स चाहिए। 3 मीट डंपलिंग्स, ठीक है। आपका बिल हुआ है 21 युआन। इसने तो देखा ही नहीं। तुम कर क्या रहे हो लड़के? मैं तो बस पैसे तो डालो। क्या मैंने कहा था ना, लोग आंखों देखी बातों पे बिलीव करते हैं। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। दो पैसे,
मेरे पास बस इतने ही पैसे बचे हैं। चुआंजी, उस दिन जब मैं शॉपिंग करने गई थी ना, तब ताऊ का फोन है। आ जाओ जल्दी जल्दी, फोन उठा रही हूँ। अरे उठाओ ना। हाँ ताऊ हाओ, कॉम्पिटिशन की तैयारी कैसी चल रही है? आलस तो नहीं कर रहे? फिक्र मत करो, हम आलस नहीं कर रहे हैं। ये कॉम्पिटिशन इम्पोर्टेंट है, मेहनत करते रहो। पहले राउंड की इंचार्ज मैं हूँ। कुछ देर में एक नया ड्राफ्ट तैयार करके भेजूंगी, तुम लोग तब तक आउटलाइन बना लो, फिर हम मिलकर डिस्कस करेंगे। ठीक है। पता नहीं डायरेक्टर ली मानेंगे या नहीं। परेशान मत हो, हम अपना बेस्ट देंगे। स्वांजी, उस दिन जब मैं शॉपिंग के लिए गई थी। हेलो, आप शाओयू बोल रहे हैं? हाँ। आपका पार्सल आ गया है, मैं नीचे खड़ा हूँ, कांच का बना है इसलिए साइन करना होगा। अभी आती हूँ। जी, एक बुरी खबर है, सब खराब हो गया। प्रिंस चार्मिंग को सेकंड क्लास से निकालकर फर्स्ट क्लास में डाल दिया है। वो अपना डॉर्म छोड़कर बिल्डिंग वन में जा रहा है। जल्दी करो, चलो चलो जल्दी करो। नहीं 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 नहीं, रुको, सुनो, हट। चौंसी कहाँ है? कन्फेशन अब जल्दी है। क्या? तो वह जाकर देखना क्या होता है। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने उसे बताने में देर कर दी और अब मैं उसे रिजेक्ट होते हुए नहीं देख सकती। इससे तो और भी बुरी चीज हो सकती है। क्या? मान लो कि लड़के ने अगर हाँ कर दी तो? अगर उसने हाँ कर दी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुमने बहुत जल्दी चिल्ला दिया। सीनियर, मैं, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूं। कोई बात नहीं, रो मत।
ग्रेजुएट होने के बाद तुम्हें जरूर हैंडसम लड़का मिलेगा। टॉन्जी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि लड़का लियो यांजे अगर पता होता तो मैं तुम्हें जाने नहीं देता। तुम उसे जानते हो? बस जानता ही नहीं, हम एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। दुश्मन? ऐसा क्या हुआ है? बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा तुम्हें। नौटंकी करता है शायू। हाँ? मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, मुझे इतनी जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए थी। आज के बाद मेरा प्रिंस चार्मिंग मुझे कन्फेस करेगा, मैं नहीं। ये हुई ना बात, चलो चीयर्स करते हैं। चीयर्स। 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 ताहो ने मैसेज किया है, पूछ रहे कि हम कहाँ हैं। चलो एक फोटो लेते हैं, बोल दूंगी खाना खाकर हम प्रैक्टिस करने जाएंगे। हाँ। मेरा सारा मेकअप खराब हो गया, मुझे एडिट करने दो। वो फोटो मोबाइल में है। क्या तुम बता सकते हो तुमने ये फोटो कब ली? तुम पहले से जानते थे तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? सही कहा, तुमने उसे बताया क्यों नहीं? अब मैंने भी नहीं बताया। देखो, हम तुम्हें बताने ही वाले थे। तो बताया क्यों नहीं? कुछ रीजंस थे। कैसे रीजंस? तुम इतने इम्पोर्टेंट बात मुझसे कैसे छुपा सकती हो? जुआन जी बात सुनो, हमारे पास और कोई सबूत नहीं था। साथ में रूम लिया, क्या ये सबूत नहीं था? शायद वो मूवी देखने गए होंगे। क्या कहा तुमने? इसने ऐसा कहा। मैंने? हाँ मैंने कहा, मैंने। चुआंसी, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत गुस्से में हो और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। मैं क्या बताऊँ कि उन दोनों को साथ में देख के मुझे भी कितना गुस्सा आया था, लेकिन मुझे लगा कि वो शायद तुम्हें पसंद करता होगा और तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा, फिर मैं उसकी मिस्ट्रेस बन जाती। हाँ वो फिर वो उसके मिस्ट्रेस बन जाती। मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं था। अगर तुमने ये बात सोची नहीं थी तो तुम दोनों ये कैसे सोच सकते हो कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो? इतना बड़ा सच पता होते तुमने मुझसे कुछ नहीं बताया, अब देखो मैं कितनी ज्यादा दुखी हूँ। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा कन्फेशन फेल हुआ, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन तुम और नान भी, तुमने मुझसे सच छुपाया, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है। उस पर मत चिल्लाओ, ये सब मेरा आइडिया था, मेरी गलती है। तुमने अभी कहा ना कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मुझे फिक्र हो रही थी कि ये बात सुनके तुम दुखी हो जाओगी। तो क्या अब तुम्हें मैं खुश दिखाई दे रही हूँ? अब हमारे बीच में कोई ट्रस्ट बचा ही नहीं है, तो हम एक दूसरे के फ्रेंड्स कैसे रह सकते हैं? सुनो सुनो सुनो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे कन्फेशन के फेलियर से प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, समझ गई? और तुम जान भी, तुमने मुझसे ये सारी बातें छुपाई, इससे मुझे प्रॉब्लम है, समझ गई? तुमने ये क्यों छुपाया? क्या कहा तुमने? मेरी गलती है। कल कॉमिक क्लब की मीटिंग है, तुम दोनों टाउ हाउस से कह देना मैं कंपटीशन में भाग नहीं लूंगी। लेकिन हमारी टीम अधूरी रह जाएगी। तुम लोग एक्स्ट्रा ले लो। चुआंसी, मेरा टर्टल कहाँ है? वो शायद घर से भाग गया है। नहीं सर, एक्चुअली हम जानते हैं दो स्कूल्स के मर्जर के बाद हमें एक नई टीम की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर एक टीम चुननी है तो सिर्फ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की टीम को ही क्यों चुनना चाहिए? मेरी बात सुनो, तुम इस लड़ाई में अकेली बिल्कुल नहीं हो। मर्जर की न्यूज फैल चुकी है और वेस्टर्न यूनिवर्सिटी का कैप्टन लियू यांजे भी इसके लिए लड़ रहा है। इतने सालों से उनकी टीम जीतते आ रही है, तुम ये देख सकती हो, वो नहीं मानने वाले। लेकिन प्लीज मेरी बात को समझो। हां, इस मामले में मैं और कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी बात मानो और अपने घर जाओ। डायरेक्टर, चलो जाओ जाओ। डायरेक्टर, तुमने सही कहा था, मुझे उसे बता देना चाहिए था, काश मैं तुम्हारी बात सुनती। वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा है, उसके शांत होने का इंतजार करते हैं, और मैं भी समझ सकता हूँ। तो उसके वापस आने के बाद मैं उससे माफी मांगूंगी। चांदी कहाँ है? मुझे तुम सबको कुछ बताना है। वो कल बिजी है तो कंपटीशन के लिए शायद नहीं आ पाएगी। हाँ,
मैंने देखा कहां बिजी है। मुझे लगता है कि तुम तीनों कंपटीशन के लिए तैयार नहीं हो। प्लीज गुस्सा मत हो, हम फिर से मेहनत करके तैयारी कर लेंगे, है ना? कोई जरूरत नहीं, दो स्कूल्स मर्ज हो रहे हैं और अब बस वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की डिबेट टीम रहेगी, हमारी टीम डिसबैंड हो रही है। लेकिन क्यों? शांत हो जाओ, बैठ जाओ। हमारी टीम डिसबैंड क्यों हो रही है? सही कहा, उनकी टीम डिसबैंड क्यों नहीं हो रही है? डायरेक्टरी ने मुझे पिछले साल के रिजल्ट्स दिखाए, वो हमसे बहुत बेहतर है। हमारी टीम का रिजल्ट इतना भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। हम मेहनत करते हैं ना, लेकिन कंपटीशन भी कर लेते हैं उसके साथ, हम फिर भी नहीं जीत पाएंगे। उनका टीम कैप्टन है, क्या नाम उसका, लियू यानजी, कहते हैं वो सबसे बेस्ट डिबेटर है। लियू यानजी, हम उसका बदला लेंगे, पुराना और नया सबका बदला लेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? ये वही लड़का है जिसने हमारी टीम को बर्बाद कर दिया, सारी गलती उसकी है। मैं उसे देख लूंगा, बैठ जाओ। इतना गुस्सा ठीक नहीं है, बैठ जाओ। कोई बात नहीं, बैठो। ये क्या कर रहे हो, बच्चों वाली हरकतें? अगर इसे सब ठीक हो जाता है तो करते रहो, लेकिन सच में हम दोनों ने बहुत ट्राई किया। मैं भी खुश नहीं हूँ, लेकिन डायरेक्टरी ने साफ साफ अपना फैसला सुना दिया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें याद है जब मैं तुम सबको लीड करता था? प्रॉब्लम का पता है सबको? सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन क्या होता है? दुश्मन के वीक पॉइंट। आप यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, मुझे भी लगता है आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल। तो आप अगली जॉब के बारे में सोच रहे हैं? यहाँ क्या हुआ था? कम ऑन, अब शुरू हो जाओ। अब सेकंड टीम, एवरीवन लेट्स गो। मैं हूं नानबी, हमारे स्कूल के डिबेटिंग क्लब से। वेलकम टू द स्कूल सर। ये क्या हो रहा है डायरेक्टर ली, क्या ये सरप्राइज मेरे लिए है? हाँ, ये तो दरअसल ये वाइस प्रिंसिपल सर, डिबेटिंग क्लब से ये डिसाइड किया गया है कि हम सबने मिलके आपके लिए एक सरप्राइज रखा है। इसमें तो एक कार्ड भी है, देखता हूँ क्या लिखा है। आई क्या लव यू, जरा मैं भी साथ रहिए। नहीं सर, मेरा मतलब है कि हम आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि आपने स्कूल में इतना अच्छा काम किया है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा हमारे साथ रहे इस स्कूल में, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा सर। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, थैंक यू। तो क्या आप सब डिबेटिंग क्लब में हैं क्या? यस सर, मुझे इस क्लब में रहने का बहुत गर्व है। अच्छा, लेकिन वो लेकिन क्या? डायरेक्टर ली ने कहा हमारी टीम बहुत जल्द बाहर हो जाएगी। सुनिए डायरेक्टर ली, आप इतने मोटिवेटेड बच्चों का दिल बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। यस यस, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप जानते नहीं। ओ सर 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 ली सर ली सर, हमारा एक कंपटीशन होने वाला है, अगर वो कंपटीशन हम जीत गए तो आपने जो डिसीजन लिया था उसके बारे में फिर से सोचेंगे ना? पीछे हटो, दूर रहो मुझसे। वाइस प्रिंसिपल सर, क्या आप हमारे लिए इनको भी अपने साथ कॉम्पिटिशन देखने लेके आएंगे? कॉम्पिटिशन क्यों नहीं, ऐसे तो मेरे स्कूल के दिनों की मुझे याद आ जाएगी। चलिए हम चलते हैं। लेकिन सर वो मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, तो मैं आपके साथ नहीं आ सकता। आप चिंता मत कीजिए, ऑफिस का काम आपके बिना हो जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ सर, तो क्यों ना ऐसा करें कि दोपहर को इनका कॉम्पिटिशन देखने के लिए चलते हैं सर। अगर ये जीत गए तो हम डिबेट क्लब के फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ये कैसा रहेगा सर? ये सही है स्टूडेंट्स, अब तुम्हारा परफॉर्मेंस ही तुम्हें हेल्प कर सकता है, समझे?
अच्छे से डिबेट करो और जीतो, फिर हम क्लब के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। डेट करो, डेट करो। अरे ये नहीं बोलना था। फिर से डिस्कस करेंगे, पता है इसका क्या मतलब है? ये एक होप है, उम्मीद की एक किरण की तरह है, अंधेरे में उजाले की तरह है। मैक्सिम गॉर्की ने एक बार कहा था। सर हमारी टीम पूरी नहीं है। अगर मेरे स्टूडेंट्स इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं तो क्या मैं उन सभी स्टूडेंट्स का कोच पीछे रह सकता हूँ? मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ डोंगसाई यूनिवर्सिटी से गाओ काईशेंग, जिसे 3 साल से स्कॉलरशिप मिल रही है। ये रहे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शाओगोंग। जाओ 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 जाओ, चीकी से लेकर आया हो? सिर्फ इसने ही अप्लाई किया था, कुछ नहीं कर सकते। कि ये तो बहुत अकला रहा है, क्या करेंगे उसका? अब काम चलाना पड़ेगा। बहुत कम टाइम है और हमारा कंपटीशन डोंगडैंग कॉलेज के साथ है, वो एक बहुत स्ट्रांग टीम है, इसलिए अब और मेहनत करनी होगी। वक्त की काफी कमी है। टाइम की कमी होने की वजह से हमें अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होगा। ओके, मेरी बात सुनो, सबसे पहले हमें रिसर्च करनी चाहिए। इतना टाइम तो बिल्कुल नहीं है। अगर टाइम बिल्कुल नहीं है तो हमें सबसे पहले डिस्कशन करना होगा टॉपिक के बारे में। फिर से हम बस बात ही करेंगे, मुझे लगता है हमें रिसर्च पे फोकस करना चाहिए। सुनो, बात तो सुनिए, समझ नहीं रही हो? इस बार मेरी बात सुनो। अच्छा तुम बताओगे। टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? हम लोग डिस्कशन करेंगे और तुम लोग कॉमन सेंस पे एक फ्रेमवर्क बनाओ जो हमें काम आ सकता है, और तुम इसकी हेल्प करोगे, समझ गए? और तुम यस रिसर्च करो और हमारे आर्गुमेंट को सपोर्ट करो, समझ गए? तो सब समझ गए? शुरू करते हैं। कभी शांत पे बैठा करो, जब देखो तब शोर मचा दो। टाउनसिंग यूनिवर्सिटी की टीम तो टूट गई है, तो वो लोग अभी भी कम्पीट क्यों कर रहे हैं? उन्हें लगता है कि हमें हरा के उनकी टीम बच के निकल जाएगी क्या? अजीब ही है। डिबेट को शुरू करने से पहले मैं कुछ और बोलना चाहूंगा। शाओगोंग, इस कंपटीशन की जीत के लिए तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना होगा। आई एम श्योर आप सब जानते हैं कि आज हमारी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है। ऑल द बेस्ट, लेट्स गो। इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मैं वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की चाल जानती हूँ। मुझे अपने आर्गुमेंट दिखाओ, एक बार पढ़ने हैं। मुझे कंपटीशन के लिए कपड़े चाहिए। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, मुझे मेरा काम हो गया। क्या कर रहे हो?
साइड्स के अमेजिंग आर्गुमेंट्स और क्वेश्चन सुनने के बाद अब उनके वन ऑन वन आर्गुमेंट सुनने की बारी आ गई है। हेलो ओपोनेंट। हेलो ओपोनेंट। अगर मैंने अच्छे रीजन के लिए कोई सीक्रेट रखा तो क्या वो सही है? बिल्कुल, अगर उस सीक्रेट से किसी का फायदा हो सकता है तो फिर क्यों नहीं। अगर मेरे दोस्त का पार्टनर और एक स्ट्रेंजर एक होटल में जाते हैं और उसकी फीलिंग्स को बचाने के लिए मैंने ये बात छुपा दी और अंत में ये बात उसे पता चल गई, उसने अपने प्यार को भी खो दिया और अपने दोस्त को भी, इससे किसका भला हुआ बताओ मुझे। हाँ, इसका मतलब है सीक्रेट रखने का कोई फायदा नहीं। लगता है मेरे फेलो ओपोनेंट टॉपिक के बारे में ही भूल गए हैं। टॉपिक चेंज कर दिया। इसका मतलब जब दोस्त के साथ चीटिंग होती हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये आपका फंडा है, तू तेरे रास्ते और मैं मेरे रास्ते? तो ओपोनेंट आप ये कहना चाहते हो कि मैं सही और गलत में फर्क नहीं समझता? आपको क्या लगता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सही है कि ये चीजों का आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, इतना तो आप भी समझ रहे होंगे। हमारे लिए सही चीज की इंपॉर्टेंस तभी है जब करने वाला उसकी जिम्मेदारी ले। अगर उसकी जिम्मेदारी हम पर आई तो हमारे लिए वो बात सही नहीं है। इसका मतलब आपको अगर जिम्मेदारी दी जाए तो आप सही गलत का मतलब नहीं समझेंगे? हाँ बिल्कुल सही कहा। लेकिन मेरे हिसाब से अच्छे इंटेंशन का बुरा रिजल्ट हो कैसे सकता है? हाँ, पर रिजल्ट अच्छा हो ये भी जरूरी नहीं। अगर आपको लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है तो आप कैसे सुधारेंगे? अगर सीक्रेट नहीं रखने से ज्यादा दर्द होता है और सीक्रेट रखने में खुशी मिलती है तो मेरे हिसाब से ये एक बेटर सोल्यूशन हो सकता है। अगर एक सीक्रेट अच्छे इंटेंशन से रखा हो और अंत में बुरा हो जाए तो आपकी कही गई बातें गलत हो सकती है सर। मेरे ओपोनेंट मेरी बातों को गलत समझ रहे हैं। इन्होंने एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, अब जीतने के चांसेस हैं। अब पॉइंट्स 1, 3 और 4 की फ्री आर्गुमेंट होगी। अब सबका फेवरेट सेगमेंट प्री आर्गुमेंट शुरू होने वाला है। इसमें दोनों साइड के पास 4 मिनट होंगे। आप शुरू कीजिए। आपकी दोस्त सेम कंपनी में काम करते हुए गलत काम कर देती है तो क्या आप अथॉरिटीज को सच बताएंगे? अगर मेरी दोस्त बदलना चाहती है तो मैं भी उसे एक मौका दे सकती हूँ। मुझे लगता है यही बेस्ट सोल्यूशन। लेकिन ये सोल्यूशन उस दोस्त के लिए है जो कंपनी के लिए गलत है, तो गलत इंटेंशन वाला सीक्रेट भी सही है ना? सीक्रेट्स रखने के लिए ठोस वजह होनी चाहिए। अगर सीक्रेट्स को बिना वजह रखा जाए तो कोई मतलब नहीं। इसका मतलब सही इंटेंशन वाले सीक्रेट्स की कभी जरूरत होती है और कभी कभी नहीं भी होती है। मतलब ये सब पॉइंटलेस है। ये तो एक अच्छा पॉइंट था। हम समझ गए, हम उस सीक्रेट को रखने की जरूरत की बात कर रहे हैं। क्या एक रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर से कुछ भी छुपाएंगे? इससे सिर्फ सच छुपेगा और कुछ नहीं। क्या आप शादी के बाद अपने पार्टनर से फाइनेंशियल इश्यूज छुपाना सही समझती हैं? आप जो बोल रही हैं वो बैड इंटेंशंस का एग्जांपल है। अगर मैं किसी को डेट कर रहा हूं और वो मेरे एक्स के बारे में पूछे तो मुझे नहीं लगता उसे बताना जरूरी है। आपके पेरेंट्स को पता ही नहीं तो ये सीक्रेट कैसे हुआ? अगर ये सीक्रेट है तो क्या आपके टीचर जब सवाल छुपाते हैं तो इसे सीक्रेट कहा जाएगा? और जिससे सीक्रेट रखा है क्या उसे सच जाने का हक है? ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम पेरेंट्स से कहीं दूर पढ़ने गए और हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम उनसे ये बात छुपाएं? सारे छोटे बच्चे झूठ बोलते हैं। कुछ दिन बाद पेरेंट्स अपने बच्चों को बिलीव करना छोड़ देंगे और वो और परेशान हो जाएंगे। और आप सच भी तो बोल सकते हैं ना? तो आप कहना चाहती हैं कि सीक्रेट्स रखना अच्छी बात नहीं है और हमें सीक्रेट्स नहीं रखने चाहिए? देखो गेम्स खेलना बंद कर दो। क्या हम टॉपिक पर वापस आ सकते हैं? अगर एक पेशेंट मरने वाला है तो क्या ये बेहतर नहीं कि उसका डॉक्टर उसे ये न्यूज ना बताए और इसे सीक्रेट रखे ताकि उसकी बाकी की लाइफ अच्छी गुजरे? बिल्कुल भी नहीं। सितंबर 1, 2012 से ये लॉ पास हुआ है कि सारे डॉक्टर्स को अपने पेशेंट को सही डायग्नोसिस बतानी है और उनके सवालों का सही से जवाब। लेकिन ऑपोजिशन ने ये बात नहीं बताई कि उस लॉ के मुताबिक पेशेंट्स के हेल्थ के खिलाफ कोई भी न्यूज़ नहीं बता सकते। क्या इस बात को सीक्रेट रखना जरूरी था? बिल्कुल नहीं थी। हमारा ये कहना है कि जब कोई सीक्रेट रखते हैं तब हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने के लिए रेडी होना चाहिए। अगर आप नहीं हैं तो आप सीक्रेट मत रखिए। ऑपोजिशन का टाइम खत्म। दूसरी टीम के पास 17 सेकंड्स है। अब तो बस थोड़ा ही टाइम बाकी है। ओपोनेंट टीम किस तरह अटैक करेगी, इन्हें क्या करना चाहिए? ओपोनेंट, सच बोलने से हमेशा दर्द और दुख बढ़ता है, तो क्यों ना हम सीक्रेट्स रख के खुशियाँ फैलाएं? आप हमारे सही इंटेंशंस को समझना चाहते हैं, लेकिन आपके क्या इंटेंशन से बताइए? क्या हमेशा कॉन्सिक्वेंसेस झेलना सही है? ऑपोजिशन कहना चाहते हैं कि सच्चाई को सामने लाना गलत है और सच के साथ आने वाला दुख दर्द एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये गलत है। लेकिन सच बोलने से सिर्फ और कंफ्यूजन होता है। क्या आप अग्री नहीं करते? टाइम अप। ओपोनेंट अब काउंटर अटैक लॉन्च कर सकते हैं। आप क्वेश्चन करेंगी या डिबेट? डिबेट। इनका कहना है कि सच से दर्द होता है तो सीक्रेट रखो, लेकिन सच बात यह है कि सच से कभी दर्द नहीं होता, उल्टा सच छुपाने से दर्द होता है। हमारे सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति को ठेस पहुंचती है।
और इससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती। कुछ दिन पहले ही मैंने अपने दोस्त के भले के बारे में सोचा और उससे बहुत बड़ा सच छुपाया, लेकिन जब उसे सच पता चला तो मेरी सारी समझदारी धरी की धरी रह गई। उसकी आंखों में मैंने दुख देखा, डिसअपॉइंटमेंट देखी। क्या मैं अपने दोस्त के बारे में बुरा सोच रही थी या मैंने ये डिसीजन अपने आप को बचाने के लिए लिया? दोनों ही नहीं। उसे तो दर्द सिर्फ मेरे सीक्रेट की वजह से मिला। जब हम सोचते हैं कि ये सबके लिए बेहतर है, भले ही हमारी अच्छी इंटेंशन क्यों ना हो, वो अंत में सबके लिए बुरा ही होता है। अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को दिल से चाहते हैं तो उन्हें डिसाइड करने दीजिए कि क्या सही है, वरना सही भी गलत हो जाएगा। और अगर सीक्रेट रखना जरूरी है तो इसके बारे में सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप घमंडी हैं। अगर आपने ये सोचा कि इन बातों से मैं अपने आप को बचा लूंगी तो आप हमेशा ऐसे फैसले लेंगे जो सही नहीं है। दूसरों को तय करने दीजिए कि क्या सही और क्या गलत है। खुद को उनकी जगह पर रख कर देखो, वैसा उन्हें ट्रीट करो जैसा आप खुद ट्रीट होना चाहते हैं, तो इसलिए उनसे सच कहिए। कोई भी आपके सीक्रेट्स के बोझ में दबना नहीं चाहता है, क्योंकि ये बोझ ढोना आसान नहीं होता। थैंक यू। Get ready. हमें आगे के लिए प्रिपेयर करना होगा। मुझे तुम सबसे कुछ कहना है। गौरकी ने एक बार कहा था कि डायरेक्टली। हेलो ताऊ, कल डिबेट क्लब के सारे टीम मेंबर्स को ऑफिस में मीटिंग के लिए आना है, तो मैं बताना चाहता हूँ हमारी स्कूल टीम सेट हो गई है। टीम का रिजल्ट क्या है? मर्जिंग। मर्जिंग क्या मतलब? हालांकि तुम कॉम्पिटिशन जीत गए, लेकिन कैंपस चैंपियनशिप में पिछले साल उनकी टीम की जीत हुई थी, ये सभी जानते हैं। तो मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे लिए मर्ज करने का ऑप्शन रख सकता हूँ। देखो, मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन भेज देता हूँ, तुम सब देख लो। क्या हुआ? येन मैन कौन है? शावरी के दुश्मन। Yeah.
手情歌给你，唱不出委婉待续。我把你的气息，你的谦虚，统统都删去，写一首情歌给你。